प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में शुक्रवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ईंट पत्थर से मारकर हत्या करने के बाद मृतक के घर में आग लगा दी। वहीं एक 5 साल की बच्ची पर भी वार किया गया है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार वारदात में 5 साल की बच्ची साक्षी पुत्री सुनीले घायल हुई है, उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत खेवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी गंगापार, क्षेत्राधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री व एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार मौके पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर घटना की जांच के लिए स्निफर डॉग और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है। ग्रामीणों से मिली सूचना के मुताबिक सभी मृतक घर के बरामदे में सो रहे थे। वहीं घर के भीतर से धुआं उठता भी पाया गया है, जिसे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। हालांकि अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। आगे आप देखें प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार की बाइट। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में है। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है, उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है, वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीठ से मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह कपड़े अस्त व्यस्त थे इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये खेवराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था, और एक चारपाई पे राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी, और इसके अलावा इनकी बेटी है उनका, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया, और जो आग लगा था
उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया, और इसके बाद जो हमारी फॉरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है, और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितने भी बॉडीज थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में, और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है, और इनके परिवार में सुनील है जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं, और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष ये जिंदा है, और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहां पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो हाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है, और अभी तक कोई भी आपसे रंजिश की बात सामने नहीं आई। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है, और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है, और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा।